सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है क्या ये संभव है कि यदि किसी पदार्थ को प्रकाश से प्रदीप्त किया जाए तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए जी हाँ हम जानते हैं कि यदि प्रकाश संवेदी पदार्थ को एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश से प्रदीप्त करें तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं हम इस बात से भली भांति अवगत हैं कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका अर्थ है कि प्रकाश विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बना है और ये जिस आकाशीय क्षेत्र में फैली होती है वहाँ ऊर्जा का संतत वितरण होता है प्रकाश की तरंग प्रकृति 19वीं शताब्दी के अंत तक स्थापित हो गई थी व्यतीकरण विवर्तन तथा ध्रुवन की घटनाओं से प्रकाश के तरंग चित्र की स्वाभाविक एवं संतोषजनक रूप में व्याख्या की जा चुकी है आज के कार्यक्रम में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश के तरंग चित्रण द्वारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी प्रेक्षणों की व्याख्या की जा सकती है या नहीं तरंग चित्रण के अनुसार धातु के पृष्ठ पर विकरण की किरण पुंज पड़ने पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन विकृत ऊर्जा संतत रूप में अवशोषित करते हैं और जितनी अधिक प्रकाश की तीव्रता होगी उतना ही अधिक वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का आयाम होगा जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक इलेक्ट्रॉन उतनी ही अधिक ऊर्जा अवशोषित करेगा क्या आप जानते हैं कि तरंग चित्रण के अनुसार प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर बढ़ती है तथा चाहे प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो एक पर्याप्त तीव्र विकरण किरण पुंज इलेक्ट्रॉनों को इतनी पर्याप्त ऊर्जा देने में समर्थ होगा कि उसके धातु पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा से अधिक होगी प्रकाश के तरंग चित्रण में दहली आवृत्ति का कोई अस्तित्व नहीं है क्या तरंग सिद्धांत की ये प्रागुक्तियां प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षणों को समर्थन कर रहा है जी नहीं जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में ये पाया गया है कि किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ और आपतित विकिरण की आवृत्ति जो दहली आवृत्ति से अधिक हो उसकी प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है अर्थात प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता तथा किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए एक निश्चित न्यूनतम अंतक आवृत्ति होती है जिसे दहली आवृत्ति कहते हैं इस आवृत्ति के नीचे प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का कोई उत्सर्जन नहीं होता चाहे आपतित प्रकाश कितना भी तीव्र क्यों ना हो इसका अर्थ है कि तरंग सिद्धांत की प्रागुक्तियाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षणों का सीधे विरोध करता है आइए अब तक के चर्चित तरंग चित्रण की प्रागुक्तियों के अतिरिक्त एक और प्रागुक्ति के बारे में जानते हैं तरंग चित्रण में इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का संतत अवशोषण विकरण के पूरे तरंगाग्र पर होता है क्योंकि एक बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करते हैं अतः प्रति इलेक्ट्रॉन प्रति इकाई समय में अवशोषित ऊर्जा बहुत कम होगी इसका अर्थ है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए कार्य फलन को पार कर धातु से बाहर निकल आने के लिए पर्याप्त ऊर्जा जुटाने में कई घंटे अथवा और भी अधिक समय लग सकता है परंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षण में ये देखा गया है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तो ताक्षणिक होता है जो कि तरंग चित्रण की प्रागुक्ति के अनुसार बिल्कुल विपरीत है इस चर्चा से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इसका अर्थ है ये कि ंग चित्रण द्वारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के अत्यंत मूल लक्षणों की व्याख्या नहीं हो सकती आइए अब प्रकाश विद्युत प्रभाव की चर्चा को विस्तृत रूप से करने के लिए आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण को जानते हैं सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए वैद्युत चुंबकीय विकरण के मौलिक रूप से एक चित्रण प्रस्तावित किया गया इस चित्रण की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संतत ऊर्जा अवशोषण के द्वारा नहीं होता बल्कि विकरण ऊर्जा विविध इकाइयों से बनी होती है जो विकरण की ऊर्जा के क्वांटा कहलाती है इस विकरण ऊर्जा के प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा एच न्यू होती है यहाँ एच प्लांक है और न्यू प्रकाश की आवृत्ति है प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक इलेक्ट्रॉन विकरण के एक क्वांटम की ऊर्जा अवशोषित करता है अब प्रश्न ये है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन किस स्थिति में संभव है इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकलने के लिए ऊर्जा का अवशोषित क्वांटम धातु की निम्नतम आवश्यक ऊर्जा से अधिक होना चाहिए जिसे हम कार्य फलन कहते हैं ये बताने का प्रयास करें कि यदि अवशोषित ऊर्जा एच न्यू है तथा कार्य फलन फाई नॉट है तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी तो यदि न्यू में से फाइ नॉट ऊर्जा कार्य फलन में उपयोग हो जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हम कुछ इस प्रकार से व्यक्त करेंगे कि के उच बराबर एच न्यू घटा नॉट और यह समीकरण आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है यदि इलेक्ट्रॉन धातु में अधिक दृढ़ता से आबद्ध होते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अपने अधिकतम मान से कम होती है ये ध्यान देने वाली बात है कि किसी आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या द्वारा निर्धारित होती है और तीव्रता बढ़ाने पर प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और वही उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रत्येक की ऊर्जा द्वारा निर्धारित होती है। आइए अब का प्रकाश विद्युत समीकरण से देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित सभी प्रेक्षणों को एक सरल एवं परिष्कृत ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है इस समीकरण के अनुसार प्रेक्षण के अनुरूप के उच्च आवृत्ति न्यू पर रेखिकत निर्भर करती है ये विकरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती इसका कारण क्या है ऐसा इसलिए है क्योंकि आइंस्टाइन के चित्रण में प्रकाश विद्युत प्रभाव एकल इलेक्ट्रॉन द्वारा विकरण के एकल क्वांटम के अवशोषण से उत्पन्न होता है अब ध्यान देने वाली बात है कि विक्रण की तीव्रता जो ऊर्जा क्वांटमों की संख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय के अनुक्रमानुपाती होती है इस मूल प्रक्रिया के लिए असंगत है आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार के उच्च ऋण राशि नहीं हो सकती तो इससे ये अंतर्निहित है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी संभव है जब एच न्यू नॉट से बड़ा हो यानी कि एच न्यू एच न्यू नॉट से बड़ा हो न्यू न्यू नॉट से बड़ा हो इसका अर्थ यह है कि कार्य फलन के अधिक मान के लिए प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अथवा देहली आवृत्ति का मान अधिक होगा इस प्रकार एक दहली आवृत्ति अस्तित्व में होती है यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम होगी तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है और इस बात पर ये निर्भर नहीं करता कि विकिरण की तीव्रता कितनी अधिक है या कितनी देर तक धातु पृष्ठ पर यह पड़ रही है आइंस्टाइन के चित्रण के अनुसार विकिरण की तीव्रता जो कि ऊर्जा क्वांटा की संख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय के अनुक्रमानुपाती होती है यहाँ जितनी अधिक संख्या में ऊर्जा क्वांटा उपलब्ध होंगे उतनी ही अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्वांटा का अवशोषण करेंगे और इसीलिए धातु से बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही अधिक होगी और हाँ इसके लिए न्यू न्यू नॉट से बड़ा होना चाहिए इससे ये स्पष्ट होता है कि इस स्थिति में प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती है एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आइंस्टाइन के चित्रण में प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रकाश के एक क्वांटम का अवशोषण मूल प्राथमिक प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया ताक्षणिक होती है चाहे तीव्रता अथवा विकरण क्वांटा की संख्या कितनी भी हो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन ताक्षणिक ही होगा कम तीव्रता में भी उत्सर्जन में विलंब नहीं होगा क्योंकि मूल प्राथमिक प्रक्रिया वही रहेगी आपको याद दिला दें कि तीव्रता से केवल यह निर्धारित होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक प्राथमिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और ये भाग ले सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ही प्रकाश विद्युत धारा के परिमाण का निर्धारण होता है हम जानते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन से हमें भिन्न धातुओं के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति तथा संबंधित विरोधी विभव के बीच का ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है आइए आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण से समझते हैं कि ये ग्राफ हमें रैखिक क्यों प्राप्त होता है अब जैसा कि हम जानते हैं कि के उच्च एच न्यू घटा फाइन नॉट के बराबर होता है और के उच्च का मान ई वी नाट होता है इसलिए हम इस समीकरण को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं ई वी नॉट बराबर एच न्यू घटा फाइन नॉट और ये ध्यान दें कि यहाँ पर न्यू न्यू नॉट के बराबर या उससे बड़ा है अथवा वी नॉट को एच बटे ई न्यू घटा फाइन नॉट बटे ई e के बराबर लिखा जा सकता है इस परिणाम से हमें ये पता चलता है कि वी नॉट के विरुद्ध न्यू का वक्र एक सरल रेखा होगी जिसका ढलान एच बटे बराबर होगा क्या यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है? है, जी नहीं, ये एक नियतांक है जो एक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता इससे एक रोचक प्रयोग जुड़ा हुआ है आइए इसके विषय में जानते हैं 1906 सौ से 1916 के मध्य मिलिकन ने आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण को असत्यापित करने के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव पर प्रयोगों की श्रृंखला की मिलिकन ने सोडियम के साथ प्रयोग किया और ग्राफ के अनुरूप एक सरल रेखा प्राप्त कर उसका ढलान मापा इसके पश्चात ई के ज्ञात मान का उपयोग कर उसने प्लांग स्थिरांक एच का मान निर्धारित किया और इसका ज्ञात मान छः दशमलव छः दो छः गुणा दस की घात ऋण चौंतीस जूल सेकेंड के बराबर था एक भिन्न संदर्भ में भी प्रयोग करने पर इसका मान यही पाया गया जो आइंस्टाइन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से प्राप्त हुआ और यहाँ रोचक बात यह है कि 1916 में मिलिकन ने आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण को असत्यापित करने के स्थान पर उसकी सत्यता स्थापित कर दी तो अब तक की चर्चा से ये स्थापित हो गया है कि प्रकाश किसी द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया में इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे ये क्वांटा अर्थात ऊर्जा के पैकेट का बना हो और प्रत्येक पैकेट की ऊर्जा h न्यू है आइए इस कार्यक्रम के अंतिम भाग में हम प्रकाश की कणीय प्रकृति से जुड़ी कुछ अवधारणाओं को समझते हैं इसके लिए एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें क्या प्रकाश ऊर्जा के क्वांटम को किसी कण से संबद्ध किया जा सकता है इस संबंध में आइंस्टाइन एक महत्वपूर्ण परिणाम पर पहुंचे और ये पाया कि प्रकाश क्वांटम को संवेग से संबद्ध किया जा सकता है ऊर्जा के साथ साथ संवेग का निश्चित मान इसका प्रबल सूचक है कि प्रकाश क्वांटम को कणों से संबद्ध किया जा सकता है और इस कण को फोटोन का नाम दिया गया और प्रकाश की कणीय प्रकृति की पुष्टि के लिए आइंस्टाइन के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए ए एच के इलेक्ट्रॉन द्वारा एक्स किरणों के प्रकिर्णन के प्रयोग से 1924 में प्रकाश के कण जैसे व्यवहार को पुनः पुष्ट किया गया 1921 में सैद्धांतिक भौतिकी में योगदान तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के अपने कार्यों के लिए आइंस्टाइन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और वहीं 1923 में विद्युत के मूल आवेश तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के अध्ययन हेतु किए गए कार्य के लिए मिलिकन को भी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आज की विस्तृत चर्चा के पश्चात हम वैद्युत चुंबकीय विकरण के, के फोटोन चित्रण का सारांश निम्न अनुसार दे सकते हैं सबसे पहले विकिरण के द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया में विक्रण इस प्रकार व्यवहार करता है मानो कणों से बना हो जिन्हें कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E होती है और संवेग p तथा चाल c होती है यहाँ c प्रकाश की चाल है और वही 1923 में विद्युत के मूल आवेश तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के अध्ययन हेतु किए गए प्रयोगों के लिए मिलिकन को भी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया आज की विस्तृत चर्चा के पश्चात हम वैद्युत चुंबकीय विकरण के फोटोन चित्रण का सारांश निम्न अनुसार दे सकते हैं सबसे पहले विकिरण के द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया में विकिरण इस प्रकार व्यवहार करता है मानो ये कणों से बना हो जिन्हें फोटोन कहते हैं प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है और संवेग p तथा चाल c होती है यहाँ c प्रकाश की चाल है हमने ये भी समझा कि एक निश्चित आवृत्ति न्यू अथवा तरंग दैर्ध्य लैम्डा के सभी फोटोनों की ऊर्जा E बराबर एच न्यू बराबर एच सी बटे लैम्डा और संवेग p बराबर एच न्यू बटे सी बराबर एच बटे लैमडा एक समान होते हैं और यहाँ विकरण की तीव्रता चाहे जो भी हो किसी दी गई तरंग के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर केवल किसी दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाले प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या ही बढ़ती है और ऊर्जा एक समान रहती है अतः फोटोन की ऊर्जा विकरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती फोटोन विद्युत उदासीन होते हैं और विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा विक्षेपित नहीं होते आपको बता दें कि फोटोन कण संघट में कुल ऊर्जा तथा कुल संवेग संरक्षित रखते हैं तथापि किसी संघट में फोटोनों की संख्या संरक्षित नहीं रहती फोटोन अवशोषित हो सकता है अथवा एक नया फोटोन सृजित हो सकता है आज के कार्यक्रम में हम देख चुके हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से विकिरण के इस प्रकार का व्यवहार पता चलता है कि मानो ये कणों के गुच्छ अर्थात फोटोनों से बना हो इस बात का प्रमाण हमें आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अध्ययन से भी मिला और हम पहले ही जानते हैं कि प्रकाश की तरंग प्रकृति व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवन की परिघटनाओं से दृष्टिगोचर होती है अब अध्ययन का विषय ये है कि हम प्रकाश के कौन से चित्रण तरंग या कण का प्रयोग सर्वाधिक रूप से करेंगे अथवा कौन सा चित्रण महत्वपूर्ण है आज इन रोचक प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करें और अध्ययन को अपने साथियों के साथ साझा करें धन्यवाद